गुप्ता जी आपकी एज क्या है? 60। ये 60 इयर्स के गुप्ता जी हैं, और जब ये मेरे पास आए हैं तो जब अभी आए थे तो इनके यहाँ पर करीब 4 अंगुल का गैप था, अभी तो एक 2 अंगुल का गैप रह गया है। जब सुबह आए थे तो अभी तो इस समय 2:30 बजा है, और सुबह 10 बजे आए थे तो 4 अंगुल का गैप था। इनके साथ बहुत प्रोसीजर्स की गई हैं जिससे कि इनका गैप कम हुआ है, और यहाँ भी करीब 4 अंगुल घुस पा रहे थे, अब तो 2 अंगुल ही घुस पा रहे हैं। तो 2 अंगुल का यहाँ गैप कम हुआ, 2 अंगुल का गैप हुआ है, तो फ्लेक्शन और वेरस दोनों कम हुए इनके, क्योंकि इनको हैवी ट्रैक्शन दिया गया था। और ये इनके एक इंजेक्शन लगाया गया था, एंटिल फ्रेट इंजेक्शन, तो 6 इंजेक्शन का एक मिश्रण होता है जो यहाँ लगाया गया, उसके असर से ये सब चेंज आया है। अच्छा गुप्ता जी, आपकी जो चाल थी वो कितनी चेंज हो गई अभी? मोर देन 50%। बिल्कुल, 2-3 घंटे के अंदर ही। 2-3 घंटे, 2-3 घंटे में तो चेंज हो गई। चेंज जब आए थे तब पैर घिसट के चल रहे थे, चल रहा था, अब बिल्कुल उठा के चल रहा, उठा के चल रहे हो, बिल्कुल। वो आपको आराम आ गया, आराम आ गया, विश्वास आ गया, बिल्कुल। अब आपको रोजाना करना, आपको करना क्या है, मेन काम क्या करना है, अब इंजेक्शन लगाए, आज सैटरडे, कल संडे है, तो कल संडे को आपको ये जॉइंट को मूवमेंट नहीं करना, तो खड़े रहना है ना चलना है, कल रेस्ट करना पूरा, इसकी बर्फ से सिकाई करनी है, आइस पैक लगाना है इस पर, ठीक। एक एक्सरसाइज कर सकते हैं आप, इसको दबाने की कोशिश करें, मेरी उंगलियों को दबाएं, दबाओ दबाओ दबाओ, इसको कस के दबाओ, इसको ख़त्म करो, गैप को मिलाओ, अब मिलाने के बाद में फिर इनको नीचे दबाने की कोशिश करना, ये मिले रहे हैं, मिले मिले नीचे दबाने की कोशिश करना, ये काम करना कल आपको। दूसरा, पंजों को अपनी तरफ खींचिए, छोटी उंगली से खींचिए, छोटी उंगली इधर से और इधर से, इनको अपनी तो ऊपर खींच के, तो ऊपर खींच जाएं, फिर पहले तो ये खींचना है, फिर इनको मिला के नीचे दबाना है, दबाइए। अब देखिए, अभी काफा ये जो गैप है ना, ये ख़त्म करना है, और जिस दिन आपका ये गैप ख़त्म हो जाएगा, करीब मैं मान रहा हूँ 10 दिन लगेंगे, 1 सप्ताह से 10 दिन, उस दिन आपकी चाल नॉर्मल हो जाएगी, ठीक। और एक एक्सरसाइज और कर सकते हैं, अब दोनों पैरों को अलग करिए, हाँ, फिर पास लाओ, फिर अलग करो, फिर पास लाओ, फिर अलग करो, ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक। अलग ले जाओ दोनों पैरों को, बस अब अंदर घुमाओ, दोनों के अंगूठे ज़मीन पे टच करो, पंजा अपनी तरफ खींचो, ज़मीन दबाओ, फिर साइड बाहर ले जाओ, फिर अंदर ले जाओ, फिर बाहर ले जाओ, ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक। अब एक एक्सरसाइज और कर सकते हैं, पंजा अपनी तरफ खींचो, पंजा, ये मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ जो घुटने में एंटी डिफ्लेट इंजेक्शन लगाने के बाद, कौन कौन, यानी घुटना नहीं मोड़ना है, बाकी सब एक्सरसाइज करनी है। अब पंजे को पूरी ताकत से एक झटके से बंदूक की गोली छूटती है, पहले नॉर्मल टांग को ले जाओ, इसको पंजे को खींचो, और अंगूठे को मेरे हाथ में ले जाना, इधर मेरा हाथ गिरा या बजा या टच करो जल्दी से, बस। अब जब दूसरी टांग को ले जाओ, पीछे दीवार पर टच करो, चलो और करो, और ज़ोर से, घुटना टाइट, घुटना नहीं मुड़ने पाए, ये कर सकती हो, ठीक है, ये भी कर सकती हो, ये एक्सरसाइज कर सकती हो, तो घुटना तो नहीं मुड़ रहा, अब टांग को ऊपर ले जाओ, एक को, अब इस टांग को, जिसको दूसरी को ज़मीन पे दबाओ, अब इस टांग को इस साइड में लाओ, और अंदर की साइड में ले जाओ पूरा दूर तक, चलो मेज़ पकड़ लो कसके, मेज़ पकड़ लो, करो जल्दी से, और ऊपर खींचो, पूरा दबाओ, इधर दबा पूरा नीचे तक, और दबा, अब दूसरी तरफ दबा, दूसरी मेज को टच कर जाए, दबाते जाओ, टच करो, मेज को टच करो, ये टच हो गई, चलो करो जल्दी करो, ये एक्सरसाइज कर सकते हैं आप, टच करो मेज को, वेरी गुड। अब देखो इधर ही मैं मेज लगा देता हूँ आपके पास, चलिए टच करो मेज को, इधर भी टच करो मेज को, वेरी गुड। अब दोनों तरफ आपकी मेज टच हो रही है, ठीक, चलो अब दूसरी टांग से करो, ऐसी पंजा खींचो, हाँ, और ऊपर की तरफ खींचो, जितना सीधा रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, हाँ, इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं आप, ठीक है। एक एक्सरसाइज और करनी है आपको, दोनों घुटने मोड़ लीजिए जितना मोड़ सकते हैं, मिला लीजिए आपस में, और हिप को उठाओ, एड़ी दबा के रखो, घुटने मिला के रखो, फिर नीचे ले जाओ, फिर उठाओ, ये एक्सरसाइज आप कल कर सकते हैं, ठीक है, बस इतनी लाड़ है। फिर हम आपको एक और करिए, अब दोनों घुटने अलग करिए, नहीं, घुटने मिला के रखिए, पैर यहीं रहेंगे, खोलो पूरा, फिर मिलाओ आपस में, हाँ,
घुटनों से ताली बजाओ ऐसे घुटनों से, हाँ फिर खोलो पूरा, इतना खोलो कि आपकी ये बाहर वाली साइड जिसको बटर हाँ टच कर जाए, और बीच में मिलाना है, बीच में ताली बजानी है, फिर अलग करना है। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और आप 60 साल के, प्रोस्टेट भी ख़राब होगी, पेशाब में दिक्कत आएगी, प्रोस्टेट इससे बहुत जल्दी ठीक होती है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी में परेशानी होती है वो भी इससे ठीक होती है, ठीक। और जो कमर उठानी है दो तरह से उठानी है, एक तो घुटने मिलाओ, अब उठाओ कमर को, घुटने मिला के रखो, उठाओ कमर को, अभी घुटने मिले हुए कमर उठ रही है, अब घुटनों को अलग कर लो, लेट बैठ जाओ जमीन जमीन पर आ जाओ, अब दोनों घुटने अलग कर लो, हाँ अब कमर को उठाओ, हाँ ये हाँ यस, फिर नीचे ले जाओ। इस एक्सरसाइज के दो रूप हैं, एक तो घुटने मिला करके, एक घुटनों को एकदम दूर करके, एकदम दूर करके करिए दो बार, एक बार हो गया, दो बार हो गया, ठीक। अब दोनों घुटने मिला लीजिए, अब दो बार फिर ऐसे करिए, दो बार घुटने मिला के रखो, घुटने मिला के रखो, फिर नीचे जाओ, फिर उठाओ। ये एक्सरसाइज कल कर सकते हैं आप, ठीक है। मैं डॉक्टर सुभाष सल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन जॉइंट केयर, A74 सरता विहार न्यू दिल्ली, मोबाइल 9810124433 एंड लैंड 9011424300006। और ये इनका एक्सरे है, ये लेफ्ट नी का एक्सरे है, ये राइट नी का एक्सरे है। यहाँ तो जब भी थोड़ा बहुत गैप है ये ख़त्म हो गया, ऑस्टियोफाइट बन गया, और ये करीब 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हो गया, मिडली डिस्प्लेस तो दोनों तरफ है, राइट के अंदर 0.5 सेंटीमीटर, इधर 1 सेंटीमीटर ऑस्टियोपोरोसिस है, पर यहाँ तो कार्टिलेज बिल्कुल भी नहीं है, और इसके अंदर जॉइंट रिप्लेसमेंट ही होना चाहिए था। जॉइंट रिप्लेसमेंट मीन्स ये सर्जरी इनकी होनी चाहिए थी, तो ये सर्जरी कराने के मूड में नहीं है, तो इसलिए इनको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कर रहे हैं और इनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। इनके अंदर ये जो कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज का इधर अंदर वाला हिस्सा पूरा एकदम डैमेज हो गया, एकदम ख़त्म है, ऊपर की सतह नीचे से मिल गई है, और इसीलिए इनके अंदर दर्द हो रहा है। और इनका करना क्या चाहिए, हमको ये कार्टिलेज चेंज करनी चाहिए आर्टिफिशियल। ये आर्टिफिशियल नी जॉइंट है, ये फीमोरल कंपोनेंट है, ये टिबियल कंपोनेंट है, और ये डिस्क जो ख़त्म हो गई है, ये जो कार्टिलेज ख़त्म हो गई है, ये एक्चुअली इतनी मोटी होती है, मैं दिखा दूँ आपको, देखिए ये गद्दी है, ये घिस गई है इनकी, एक साइड से पूरी घिस गई है, तो पूरी ही चेंज करते हैं। लेकिन यदि ये अपना वजन 20 किलो कम कर लेंगे और ट्रैक्शन लगाएंगे और जूते के अंदर सोल चेंज कर लेंगे और मेरा जो अर्थराइटिस रिवर्सल प्रोग्राम है उसको ईमानदारी से फॉलो करेंगे, तो अभी तक 25,000 मरीजों के रिप्लेसमेंट बच चुके हैं, ये भी 25,000 के अंदर ऐड हो जाएंगे। पर डिपेंड करेगा इनकी ईमानदारी पर, इनको अपने घुटनों के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा और अपनी जबान के प्रति बेईमान होना पड़ेगा। ऐसा मान लें, जब ये सोचेंगे कि मेरे घुटने में हार्ट अटैक हो गया है, तो हार्ट अटैक के अंदर आदमी दुनिया का सबसे ईमानदार आदमी होता है, पूरी दुनिया में पेट्रोल डाल के आग लगा देता है, अपनी जान बचाता है, पत्नी परिवार और फैक्ट्री और नौकरी सब में आग लगा देता है। तो ऐसे ही जब ये इतने ईमानदार बन जाएंगे तो ये घुटना बच जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ईमानदार होना पड़ेगा। तो क्या गुप्ता जी आप ईमानदार होंगे? बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल ईमानदार हूं। पक्का? पक्का। चलिए देखते हैं, आज पहला दिन है आपका, ठीक है, मंडे को बात करेंगे, आज सैटरडे, कल जो एक्सरसाइज करी घुटने मिला के बैठिए प्लीज, ठीक है डॉक्टर। और जब थक जाए तो खोलिए फिर मिला लीजिए, एक दिन में 1,00,000 बार करो, कोई दिक्कत नहीं है, और जब भी मिला तो ढंग से मिला, जैसे ताली बजाते हैं, ठीक है, करो ऐसे, ये करना है, जितना ज़्यादा करेंगे उतना घुटना आपका मैनेज होगा, क्योंकि जो यहाँ एक वेस्टर्स मीडिया जिस मसल होती है वो आपकी कमज़ोर पड़ गई, ठीक है, चलिए।